दिल्ली के कनॉट प्लेस की सेंट्रल पार्क में एक 207 फुट ऊंचा लंबा झंडा लगा हुआ है, जिसके रखरखाव का जिम्मा जिनके पास है आज उन्हीं को आपके रूबरू कराने जा रहे हैं। शंभुनाथ जी हमारे साथ हैं, आइए आपको मिलवाते हैं शंभुनाथ जी से। शंभुनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं और किस लिए हैं यहाँ पे? हम जब फट जाता है झंडा हम मतलब उतारते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको और लगाते हैं दूसरा, जैसे ऑर्डर मिलता है मालिक का वैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप ऑपरेटर हैं? हाँ जी ऑपरेटर हैं। अच्छा, तो आप कितने टाइम से हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरे को 5-6 साल हो गए। अच्छा 5-6 साल हो गए। तो झंडा इतना ऊंचा झंडा है, इसको उतारना और इसको बदलना कुछ मुश्किल नहीं होती आपको? हवा में मुश्किल होती है, आदमी 10-12 आदमी इसके लिए लगाना पड़ता है हवा में। अच्छा। अभी इस हवा में तो 5-6 आदमी से काम हो सकता है। तो झंडा कब कब बदला जाता है? झंडा जब गंदा हो जाता है तब बदला जाता है, फट जाता है तब बदला जाता है। अच्छा। तो और इसके रखरखाव का सारा कुछ आप ही के पास रहता है मतलब? हाँ इसका सारा मतलब मेंटेनेंस मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो इसका जो बदलना होता है जब भी आप ही बदलते हैं इसको? हाँ मैं ही बदलता हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कितना ऊंचा कितना लंबा चौड़ा कितना है? 60x90 का है झंडा। अच्छा, लंबाई चौड़ाई। अच्छा, और कितना वजन वगैरह कुछ? 35 किलो। 35 किलो वजन है इसका। तो आप ही देख रहे हैं 5-6 साल से। स्पेयर में कुछ पड़े रहते हैं झंडे या आप फटने के बाद ही बुलाते हैं? स्पेयर में पड़े रहते हैं झंडे, झंडे यहाँ पे इस तरह पड़े रहते हैं। अच्छा, स्पेयर में पड़े रहते हैं, जब फट जाएंगे तब लगा देंगे। अच्छा, तो जब इसको उतारते हैं तो क्या मतलब कैसे उतार देते हैं? नीचे रख देते हैं उतार के या क्या कुछ करा जाता है? तिरपाल बिछाते हैं, तिरपाल बिछा के फिर उतारते हैं, फिर उसको ड्रम में भरते हैं बाकायदा अच्छा से, फिर उसको तय करके ले जाते हैं। तो तिरपाल बिछाने का मकसद? तिरपाल बिछाने का मकसद मतलब जमीन में नहीं गिरना चाहिए। रात में लाइटें लगी हुई हैं? लाइटें लगी हुई। कितनी लाइटें? 8 लाइट लगी हुई हैं। 8 लाइटें, तो कितनी पावर की लाइटें हैं? 1000 वाट की 1 लाइट। तो आपको क्या इस बात का अंदाज़ा है कि इसके रखरखाव में कितना खर्चा आता है और कैसे इसका रखरखाव किया जाता है, कहाँ से झंडा? हमको पता नहीं। अच्छा, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है? कौन ये सब रखरखाव हैं बस? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो हमारे साथ शंभुनाथ जी थे जो कि झंडा उतारते भी यही हैं लगाते भी यही हैं। जैसा कि इन्होंने कहा पिछले 5-6 साल से ये इस झंडे का रखरखाव कर रहे हैं। तो शंभुनाथ जी हमें दिखाने लाए हैं कि वो झंडे को ऑपरेट कैसे करते हैं और कैसे इसे उतारा जाता है और कैसे इसे चढ़ाया जाता है। हालांकि हम यहाँ पे ना झंडा उतारने वाले हैं ना ही चढ़ाने वाले हैं, तो सिर्फ हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैसे कौन से बटन से किस तरीके से कौन सी मशीन लगी हुई है जो कि हमें ये सब बताएगी कि कैसे इसको उतारना है कैसे चढ़ाना है। तो शंभुनाथ जी आप बताएंगे हमको ना? हाँ चलिए बताइए कैसे क्या करना है हमको। ये हमारी मशीन है, ये रिमोट है कंट्रोल, ये मोटर है, इससे उतारते चढ़ाते हम। अच्छा, तो ये जो रिमोट है बस यही 2 बटन है? हाँ 2 बटन। अच्छा, इसी के थ्रू 1 बटन से उतारा और 1 बटन से उसको फिर से? तो ये पोल डाउन होता है या सिर्फ झंडा ही नीचे आता है? नहीं झंडा ही नीचे आता है, सिर्फ झंडा नीचे आता है तार के थ्रू है, उसके अलावा पोल वो नहीं होगा? नहीं आता। अच्छा, हाइड्रोलिक ना होके सिर्फ ये तार के थ्रू नीचे आ जाएगा और झंडा फिर से ऊपर चढ़ा देंगे आप चेंज करके? अच्छा, जैसा आपने बताया तरपाल नीचे बिछा के किया जाता है ना? अच्छा बिल्कुल, चलिए ठीक है शुक्रिया। तो जैसा कि आपको दिखाया हमने एक बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है इस मशीन को, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें ना पेश आए झंडे को चढ़ाने में और उतारने में। तो ये हमारे साथ शंभुनाथ जी थे जिनके पास से हमने ये जाना कि झंडे का रखरखाव कैसे करते हैं और कब कब इसको बदला जाता है। तो शंभुनाथ जी हमारे साथ थे और हम सब ने आपको दिखाया कि कैसे इस झंडे को चढ़ाया जाता है कैसे उतारा जाता है। इसी के साथ मैं परमजीत सिंह, कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नवोदय टाइम्स दिल्ली।